ग्वालियर जिले से है, जहां खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई विजन ही नहीं है, पता नहीं क्यों यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा फायदा हुआ, वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य तो वो हार ही गए। इसके साथ ही मंत्री गोविंद सिंह ने पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में राहुल गांधी के लगाए आरोप पर पलटवार किया। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, उनके नए भाषण को कोई तैयार ही नहीं कर रहा है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मोदी जी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है, उनकी यात्रा का कोई विजन भी नहीं है, पता नहीं क्यों यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वो यात्रा से पहले भी निकले थे, उनकी यात्रा से ये फायदा हुआ हम लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों वो हार गए। इस बार वो निकले हैं तो यात्रा को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस बार 29-29 सीट उनके आने से भाजपा के खाते में जाएंगे। अब राहुल गांधी पटवारी भर्ती में आ गए, राहुल गांधी जी को राहुल गांधी कोई बिजनेस नहीं है। जो राहुल गांधी जी के तीन शब्द होते हैं, अंबानी अडवाणी को कोसना, और दो चार मुद्दे उन्हें घिसेपटे हैं। मैं उनको करीब 15 साल से देख रहा हूँ, उनके नए भाषणों की तैयारी उनके लोग कर ही नहीं रहे।